हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक गुप्ता हिंदी पे। आज की जो अपडेट है सभी सीएससी बीएलई भाई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीएससी की तरफ से एक नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है जहां पर अपनी सीएससी सेंटर को या फिर कॉमन सर्विस सेंटर को मैपिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, और साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि आप इसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने सीएससी सेंटर को किस तरह से मैपिंग करा सकते हैं। सो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए। बिल में सीएससी की तरफ से जो नया पोर्टल को लॉन्च किया गया है उसके बारे में बताने के लिए हमने इस पोर्टल को ओपन कर लिया है। इस पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके इस पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पर जैसे ही आप आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यह जो पोर्टल है सीएससी के लोकेटर के नाम से है। इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना काफी मैंडेटरी है, क्योंकि सीएससी यह चाहती है कि जितने भी सीएससी सेंटर है सभी ऑनलाइन मैपिंग हो, इसके जो भी एड्रेस को कोई सर्च करे ऑनलाइन तो उसके एड्रेस को पा सके और सीएससी सेंटर पर विजिट कर सके। इससे आपको काफी प्रॉफिट होने वाली है, सो आप इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको दिया गया ऐड सीएससी सेंटर का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऐड सीएससी सेंटर पर जैसे आप क्लिक कर देंगे, देखिए आपके सामने साइनअप का पेज खुल के आएगा। सबसे पहले आपको फुल नेम डाल देना होगा, यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, क्रिएट पासवर्ड। उसके बाद नीचे यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिया गया, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है और अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने लॉगिन का पेज खुल के आएगा, जहां पर जो भी आपने यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी डाला उसको डाल देंगे, देन जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसको डाल के यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुल के आएगा, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पर आपने सीएससी सेंटर के अपडेशन के बारे में जो भी जानकारी आपने दी उसको एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड सीएससी सेंटर यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। देखिए नीचे आपको ऑप्शन दिया गया ऐड सीएससी सेंटर का। ऐड सीएससी सेंटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज खुल के आएगा, नेम ऑफ सीएससी सेंटर, एड्रेस, फोन नंबर 2, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, लोगो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद बैनर भी आप अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको सीएससी आईडी को फिल कर देना है। यहाँ पर अपना स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, लोकल प्लेस, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जितनी भी सर्विसेज आप देते हैं अपने सीएससी सेंटर पर सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी तरह के सर्विसेज आपके सीएससी सेंटर पर दी जाती हैं सभी को बारी बारी से इसमें ट्रिक कर लेंगे, जहां पर देखिए सर्विसेज के अंदर। उसके बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने गूगल मैप का ऑप्शन दे देगा, जहां पर आप लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड डाल के यहां पर ऐड सीएससी सेंटर पर क्लिक कर देंगे। ऐड सीएससी पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपके सीएससी सेंटर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सारी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएंगे। आप इसको देख सकते हैं आप कितनी तरह की सेवाएं देते हैं यहां पर दी जाएंगी, आपके सीएससी सेंटर का नाम, सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज आप देते हैं अदर सर्विस आवर सर्विसेज के अंदर यहाँ पर आ जाएगी। इन सारे प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जब भी कोई आपके सीएससी सेंटर को सर्च करेगा तो सीएससी सेंटर आपके गूगल मैप पे दिखाए जाएंगे। इस कमाल की इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करते हुए सभी सीएससी बीएलई भाइयों तक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।